श्री शिवाय नमस्तु भिहम दोस्तों दो मार्च को फाल्गुन मास की ग्यारह तिथि है गुरुवार के दिन पड़ रही इस ग्यारह तिथि की महत्वता को समझते हुए पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताया है विशेष तिथि का विशेष उपाय आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विधिवत रूप से अच्छे से पहले हम इस उपाय को समझेंगे उसके बाद आप यह उपाय करिएगा किस प्रकार से करना है कब करना है समय की महत्वता को समझते हुए इस फाल्गुन मास की महत्वता को समझते हुए इस तिथि की महत्वता को समझते हुए पूरी श्रद्धा भाव से आप यह उपाय अगर करते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी जो लंबे समय से मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो पा रही है तो इस उपाय के करने से विशेष कृपा बाबा महाकाल की मिलेगी साथ ही में आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वह पूर्ण होगी तो आइए समझते हैं पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के इस उपाय को विधिवत रूप से देखिए आपको सबसे पूर्व क्या करना होगा कि 11 काले तिल के दाने आपको लेने हैं 11 काले तिल के दाने ले लीजिएगा एक शुद्ध लोटा जल और यह 11 तिल काले तिल के दाने लेकर किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में आपको चले जाना है 11 काले तिल के दाने एक शुद्ध लोटा जल यह दोनों सामग्री शिव मंदिर में ले जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि जिस प्रकार से आपको यह उपाय बताया जा रहा है कुछ इसी प्रकार से विधिवत रूप से अच्छे से इस उपाय को आप करिएगा शिव मंदिर में जाने के बाद इस जो काले तिल के दाने जो आप अपने साथ लेकर आए हैं उन्हें शिवलिंग के इस वाले स्थान पर आपको अर्पित करने हैं इस प्रकार से अर्पित करने हैं कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो पूरी श्रद्धा भाव से शिवलिंग के इस वाले स्थान पर आपको अर्पित करने हैं अब किस वाले स्थान पर आप यह अर्पित करेंगे और किस प्रकार से करेंगे आइए अच्छे से समझते हैं देखिए जो काले तिल के दाने आप अपने साथ लेकर आए हैं ग्यारह उसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में आपको अच्छे से बंद करके पहले रखना है और ग्यारह बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्त मंत्र का जप करिएगा ग्यारह बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्त मंत्र का जप करते हुए आपको जप करने के बाद आपको वह ग्यारह दाने आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देने हैं उसके बाद शुद्ध लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं उससे लेकर बिल्कुल पतली धार से आपको शिव को जल अर्पित कर देना है विधिवत रूप से जिस प्रकार से आपको यह उपाय बताया गया है कुछ प्रकार से यह उपाय करना है। अगर पूरी श्रद्धा भाव से आप यह अगर यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी इच्छा मनोकामना जल्द से जल्द बाबा महाकाल पूर्ण करेंगे साथ ही विशेष कृपा महाकाल राजा की आपको प्राप्त होगी शिवपुराण के इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखिएगा आपके जरूर आपकी जो इच्छा है जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है वह पूर्ण होगी अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, कर पूछ सकते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा श्री शिवाय नमस्तु हम, हर हर महादेव